हाँ तो हम क्या कर रहे हैं अभी, जो पढ़ाए थे चैप्टर 4 सिविक्स का, ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड अ गर्ल, ठीक है, उसका अभी इंटरनल क्वेश्चन जो बुक के अंदर अंदर था, जो हम बोले थे तुमको कि क्या जो है कि हम क्वेश्चंस अलग से करेंगे, ठीक है, उस दरमियान नहीं कराए थे, ठीक है, अब जो है उसी को करने वाले हम लोग, ठीक है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो उसके शुरू में जो था वो हम लोगों का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जब इंटरनल क्वेश्चंस में बुक जब हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त एक क्वेश्चन क्या था, मेक अ ड्राइंग ऑफ अ स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट कहने का मतलब है कि अपने गली का एक ड्राइंग बनाओ, और अ पार्क, ठीक है, स्ट्रीट कह सकते हो, गली कह सकते हो, और पार्क का, ठीक है, गली और पार्क का किसी का भी एक ड्राइंग बनाओ, ठीक है, कहाँ का, तो अपने नेबरहुड, अपने आस पड़ोस का, ठीक है, कोई भी गली कोई भी पार्क का, अपने आस पड़ोस में जो भी तुम्हारा है उसका एक क्या बनाओ, एक ड्राइंग बनाओ, ठीक है, ठीक। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स मे बी इंगेज इन, और तुमको दिखाना है क्या कि अलग अलग किस तरीके से जो लड़का है या लड़की है कौन कौन से काम कर रहे हैं, लड़की क्या काम कर रही है, लड़का क्या काम कर रहा है उस गली में, पार्क में, ठीक है। यू कुड डू दिस इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप, और इसको तुम क्या कर सकते हो, अपने ग्रुप के साथ कर सकते हो, दो चार बना लो अपने यार फ्रेंड्स और उसके साथ भी कर लो, या तो फिर अकेले से भी कर सकते हो। तो ये ड्राइंग तुम खुद से अपने से, यही वाला ड्राइंग नहीं, ठीक है, यही वाला नहीं, कॉपी में तुम अपने से कोई ऐसा ड्राइंग बनाने की कोशिश करना, ठीक है, कि जो तुम अपने एबल से सूट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए या एग्जाम्पल के लिए कह लो कि किसी तरीके से हम सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा पिक्चर डाल दिए। देखिए जैसे कि एक शॉपिंग वाला कुछ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, कुछ है और कुछ है, देखो ये दो लड़कियाँ चल रही हैं, यहाँ पर एक लड़का है एक लड़की है, एक अकेला लड़का है चल रहा है, एक लड़का और एक बच्ची भी है, शायद पापा और बेटी हो सकती है, एक अकेला लड़का है, ये में भी लड़की दिख रही है। तो इस तरीके से तुमको दिखाना है एक्टिविटी की क्या क्या तुम्हारे नेबरहुड, तुम्हारे पार्क में क्या क्या हो रहा है, तुम्हारे आस पड़ोस में जो भी पार्क है उसमें क्या हो रहा है, और तुम्हारे गली में क्या है। तो तुम अपने से ये ड्राइंग बना सकते हो, स्कूल से आ रहे हो ना उस दरमियान देख लो रोड में क्या हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके से तुम बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये भी दूसरा नंबर भी था, उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, आर देयर एज अ मेनी गर्ल्स एज अ बॉयज इन योर ड्राइंग, ठीक है, पूछ रहा है तुमसे क्या कि देयर एज अ मेनी गर्ल एज अ बॉय इन योर ड्राइंग, ठीक है, बहुत सारे गर्ल्स थे तुम्हारे ड्राइंग में, तुमने जो ड्राइंग बनाया उसमें क्या बनाया, ढेर सारा गर्ल्स बनाया या ढेर सारा बॉयज, मतलब कि जो नंबर है गर्ल्स का और बॉयज का वो क्या है, अलग है या सेम है या किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव अ ड्रॉन अ फ्यूअर गर्ल, ये आशा कर रहे हैं कि तुम जैसा भी फिगर बनाए होगे, जैसा भी ड्राइंग बनाए होगे, तो उसमें जो है वो फ्यूअर गर्ल्स को दिखाए होगे, मतलब कि जो गर्ल्स की संख्या है, ठीक है, उसका जो गर्ल्स का जो संख्या है वो कम ही दिखाए होगे तुम, ये तो डेफिनेटली हम लोग ऊपर वाले फिगर में भी एक दो लड़की ही देखे। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई आर देयर आर फ्यूअर इन वुमेन एंड गर्ल्स इन योर नेबरहुड स्ट्रीट पार्क एंड मार्केट एट द लेट इवनिंग और लाइट, तो क्या कभी तुमने सोचा है, कभी सोचने की कोशिश किया है कि क्यों जो है हमारे गली में, हमारे कोई भी सड़क में, स्कूल जा रहे हो या रात में हो या मार्केट जा रहे हो या कहीं भी, तो क्यों जो है वो लड़कियों का नंबर कम होता है, क्या कभी ऐसा सोचने की कोशिश की हो, और नहीं की हो तो अभी सोचो कि क्यों होता है और इसका जवाब देना, ठीक है। तो देखो नो देयर आर अ फ्यूअर गर्ल्स इन अ कंपेरिजन टू बॉयज, ठीक है, ड्राइंग में भैया हम लोग देखो कि कुछ ही थे जो लड़कियां थी, देयर आर अ फ्यूअर वुमेन एंड गर्ल्स इन माई नेबरहुड स्ट्रीट पार्क मार्केट इन अ लेट इवनिंग एट अ नाइट, ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, देखो हमारी गली में, हमारे पार्क में या हमारे आस पड़ोस में जो भी गली होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महिलाएं या कुछ लड़कियां ही दिख पाती हैं लेट इवनिंग तक, मतलब कि शाम होने तक और शाम के और थोड़े अंधेरे तक, ठीक है, ऐसा क्यों होता है अभी तक सोच पाए होगे तो ठीक है, और नहीं सोच पाए होगे तो अभी तक देख लो, अब आंसर सुन लो, ठीक है। बिकॉज फर्स्टली देयर पॉपुलेशन इज लस्ट लेस एंड देन द मैन एंड बॉयज एंड द सेकेंडली देयर इज अ इनसिक्योरिटी टू द डिग्निटी एंड द रिस्पेक्ट, ठीक है। सबसे पहला कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, मैन के कंपैरिजन और बॉयज़ के कंपैरिजन में वो गर्ल्स और वुमेन का क्या है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो इसके कारण भी एक रीज़न। और दूसरा रीज़न जो तुम्हारा है ना बाबू, वो दूसरा रीज़न क्या है कि
उन लोगों को थोड़ा डर रहता है, रिस्पेक्ट और डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान का, आत्मसम्मान नहीं कह सकते हैं कि उसके सम्मान, जैसे कि छेड़खानी कोई ना कर दे, ठीक है, कोई अभद्र तरीके से उसे बातचीत ना कर दे, कोई ऐसा कोई एक्टिविटी उस पर ना कर दे जो उसको तकलीफ़ पहुंचाए, उसके घर वाले को तकलीफ़ पहुंचाए, उसको हानि पहुंचाए, कुछ इस तरीके के, ठीक है। इसलिए घर वाले भी उनको बोलते हैं कि नहीं तुम शाम हो गया घर के अंदर आ जाओ, ऐसा वैसा, ठीक है, तुम भी सोच पाओगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, आर द गर्ल्स एंड द बॉयज डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब तुम जो ड्राइंग बनाए हो उसमें क्या जो गर्ल्स है और जो बॉयज़ है वो दोनों ही अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, या दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई दिस माइट बी सो, और अगर अलग अलग काम कर रहे हैं या एक जैसा ही काम कर रहे हैं तो तुमने जो ड्राइंग बनाया है तो तुम अपने लेवल से क्या सुन पा रहे हो कि ऐसा क्यों हमने बनाया, क्यों ऐसा किया। तो व्हाट वुड यू हैपन इफ द रिप्लेस द गर्ल्स विद द बॉयज़ एंड द वाइस वर्सा, क्या होगा कि अगर यदि गर्ल्स के जगह पर हम लोग बॉयज़ को रिप्लेस करें और बॉयज़ के जगह पर गर्ल्स को रिप्लेस करेंगे। तो देखो क्या होगा, जहाँ पर भी जनसंख्या जो है बॉयज़ का ज़्यादा है, चाहे पार्क हो गया, चाहे स्ट्रीट हो गया, चाहे कुछ भी चीज़ हो, जहाँ भी होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ लड़कियाँ अब ज़्यादा दिखने लगेंगी अगर रिप्लेस करेंगे तो, ठीक है। बाकी आंसर देखो क्या बोलता है, ठीक है। यस गर्ल्स एंड द बॉयज़ आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटी। हाँ भैया, हमने जो ड्राइंग बनाया था उसमें जो गर्ल्स है और जो बॉयज़ है वो हर एक काम अलग अलग तरीके से कर रहा है, ठीक है, मतलब अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से कह लो, अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ अ गर्ल्स एंड द बॉयज़ आर फॉलोज, क्या क्या उन लोग जो रीज़न है उन लोगों को अलग अलग काम करने का वो देख लो। द गर्ल आर सपोज टू बी अ मोर वेलरेबल्स टू द देयर डिग्निटी वाइल द बॉयज़ आर नॉट जनरली, ठीक है। एक लड़कियों को सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है कि इज्जत उन लोगों को ज़्यादा दिया जाना चाहिए और देना भी चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों को क्या ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना थोड़ा सा बॉयज़ के कंपैरिजन में इन लोगों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं होने का कारण है कि इन लोगों का थोड़ा सा जो कह रहे हैं डिग्निटी मतलब कि सम्मान जो है या गौरव ये सब जो है हानि ना पहुँचे उन लोगों को, ठीक है। इसलिए देखो शाम को, शाम होते ही उन लोगों को भी थोड़ा सा बोलते हैं ना कि तुम लोग सेफ्टी बरतो, ठीक है, क्या दिक्कत है। दूसरा, गर्ल्स आर सपोज टू बी डू द मोस्ट ऑफ द होमली जॉब्स इन द फ्यूचर्स वर एज अ बॉयज़ आर सपोज टू वर्क आउटसाइड, और ऐसा सपोज कर लिया गया और एक मान लिया गया है, ऐसा धारण कर लिया गया हर एक दिमाग में कि जो लड़कियां हैं वो आगे चल करके फ्यूचर में क्या करेंगी, घर का ही तो काम करेंगी, और लड़के क्या करेंगे, लड़के तो बाहर जाएंगे आउटसाइड, घर के बाहर जाएंगे काम करेंगे, नौकरी करेंगे, और लड़कियाँ क्या क्या करना है भाई, लड़की तो घर में खाना बनाएंगे, चूल्हा चौका करेंगी। ये ऐसा मेंटेलिटी बना लिया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है, मान लिया गया। इसीलिए भी हम लोग देखेंगे कि पार्क, स्ट्रीट, गली ये सब में एक्टिविटी में कम होता है। दूसरा देखो यहाँ, और खाना बनाना का थोप दिया ना सबको कि लड़कियां खाना ही बनाएंगी, तो शाम होते ही देख लो कि लड़कियां ही खाना बनाने लगती हैं घर में, तो इसलिए भी नंबर्स लेस हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस पर, हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो कुछ कुछ देखे भी थे। इफ़ यू पुट द गर्ल्स इन द प्लेस ऑफ बॉयज़, अगर यदि हम लोग गर्ल्स के जगह पर बॉयज़ को रखे और गर्ल्स के जगह बॉयज़ और बॉयज़ के जगह गर्ल्स, तो इट विल बी रिप्रेजेंट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गर्ल, इट विल बी इंडिकेट दैट द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी हैज़ चेंज रिगार्डिंग द गर्ल। तो इसमें क्या होगा कि हर एक जगह जहाँ बॉयज़ ज़्यादा होता था वहाँ गर्ल्स ज़्यादा हो जाएंगी, और इस तरीके से जो एटीट्यूड, जो वातावरण जो बन गया था हम लोगों का पहले से, जो लोगों के दिमाग में मानसिकता जो ऐसे बन गई थी लड़कियों के प्रति, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा, ठीक है। सोसाइटी इज़ नाउ अ ट्रीटिंग गर्ल्स अ डिफरेंटली, अब जो है सोसाइटी, अगर ज़्यादा लड़कियां दिखेंगी हर जगह, हर फील्ड में, हर एक अच्छा में, हर एक क्षेत्र में बढ़िया करते हुए, तो क्या होगा कि लोगों का जो सोचने की मेंटेलिटी थी वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा, ठीक है। बट इफ़ द बॉयज़ वर द पुट इन द प्लेस ऑफ अ गर्ल्स, इट वुड बी इंडिकेट दैट द सोसाइटी एंड द बीन मोर रिजिड फॉर गर्ल्स, दे वर नॉट ट्रीटिंग द गर्ल्स एज अ फ्रेंडली एंड लिबरल एज द बॉयज़ ट्रीटेड, ठीक है। लेकिन बॉयज़ के देखो बॉयज़ के जगह अगर हम लोग गर्ल्स को रिप्लेस करेंगे तो ठीक है भैया, ये थोड़ा दिखाएगा कि हाँ अब लोग जो हैं गर्ल्स के प्रति भी सोच रहे हैं, गर्ल्स को आगे आने का मौका मिल रहा है, उनको इंडिपेंडेंटली होने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बॉयज़ को बॉयज़ से ही रिप्लेस करेंगे, ठीक है, वहाँ गर्ल्स को एकदम हटा ही देंगे, रिमूव कर देंगे गर्ल्स को, तो क्या होगा, बॉयज़ का संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो लड़कियाँ हैं उन लोगों को, जो हमारा सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, जितना जिस तरीके का हर एक चीज़ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए लड़की को, जैसा लड़का को मिलता है वैसा नहीं मिल रहा है, और शायद इसलिए भी लड़कियों का
अभी तो संघर्ष कर रही हैं और बहुत लड़कियां आगे आ रही हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं ट्रीट किया जाएगा और बढ़िया से, तो उन लोगों का डाउनफॉल होने का भी तो कारण होता है ना, थोड़ी थोड़ी संकुचित होती चली जाती हैं वो सब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेर द हरमीत एंड सोनाली करेक्ट इन सेइंग दैट द हरमीट्स मदर डिड नॉट वर्क। ठीक है, क्या हरमीत जो है और सोनाली ये सही कह रहे थे कि जो उनकी माँ है वो काम नहीं करती है। देखो, एक कहानी सुनाए थे तुमको बाबू, ठीक है, कि उनकी माँ जो है, मेरी माँ कुछ काम नहीं करती है, तो वो कहानी वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि लोग जो कह रहा है कि मेरी मैया जो है वो कोई काम नहीं करती है, मैया मतलब ठेठ वाला नहीं, यशोदा मैया जो मैया वो वाला सबसे हम मैया बोल रहे हैं। ठीक है, तो वरदा हरमित और सोनाली क्या सही बोल रहे थे कि हरमित की माँ जो है वो काम नहीं करती है। ठीक है, तो देखो आंसर तो सबसे पहले ही नो होगा, तुम अपने घर में भी देख रही होगे यार, मामा दीदी कितना काम करती है कि नहीं। तो हरमीत एंड सोनाली वर नॉट करेक्ट इन सेइंग दैट द हरमीट्स मदर डिड नॉट वर्क। तो उन लोग क्या है, गलत है, उन लोग सही नहीं बोल रहा है कि उन लोग कोई काम नहीं करती, सबसे अधिक काम करती हैं वो लोग। ठीक है, बिकॉज वन डेज स्ट्राइक बाई द हरमीट्स मदर मेड अ पापा एग्जॉस्टेड एंड द नथिंग वॉज डन और टाइम एंड प्रॉपर वे वॉज यूज टू। और देखा था हम लोग जब निष्कर्ष क्या निकला, एक दिन उन स्ट्राइक पर गई, ठीक है, उसकी माँ, तो क्या हुआ कि पूरा कोई भी काम एकदम अच्छे से व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया, जैसे हम लोगों के घर में डेली होता था उस तरीके से कुछ भी नहीं हो पाया था। उसका पापा भी पूरा थक गया था, रात शाम को आता है टी मांगता है, देखे थे, तो पूरी तरीके से नहीं मिल पाया था। तो एक दिन सिर्फ स्ट्राइक पे गई तो ऐसा हालत हो गया, सोचो कि अगर काम ही ना करे, जबकि काम करती है, उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि नहीं कोई काम नहीं करती है, तो और अगर उसके बावजूद भी अगर ना करे तो समझ लो, सोच लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ योर मदर्स और दोज इन्वॉल्व इन द डूइंग द वर्क एट अ होम वेंट ऑन अ स्ट्राइक। अभी यही बात तो कर रहे थे यार, अभी क्वेश्चन यही तो चल रहा था और हम एग्जाम्पल में भी यही सब बात कर रहे थे। ठीक है, तो पूछ रहा है तुमसे कि अगर ऐसा क्या होगा, अगर इट वुड बी व्हाट हैपन, अगर क्या होगा तुम्हारे साथ अगर ऐसा तुम्हारे घर हो कि जो मम्मी है या उनके साथ जो भी मिली है तुम्हारे घर का काम करती हैं वो सब स्ट्राइक पर चली जाएंगे, तो क्या होगा। तो इस कहानी में भी हम इस चैप्टर में एक स्टोरी तो सुने थे, तो जो जो काम वहाँ हुआ था वही वही काम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखो, इफ़ अ मदर दोज इन्वॉल्व इन द डूइंग वर्क एट अ होम सेंड अ स्ट्राइक ऑफ द डे कंसिक्वेंस वुड बी द फॉलोइंग। अगर मेरी माँ या जो भी उसके साथ मिलकर के काम कर रही हैं और वो लोग कहाँ चली जाएँ, स्ट्राइक पे चली जाएंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे ना, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, तो क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, क्या क्या बात होगा हमारे घर में वो देखो। आई वुड हैव बीन बी स्कूल यूनिफॉर्म विदाउट अ बाथ। मैं बिना नहाए स्कूल यूनिफॉर्म पहन के चले जाऊँगा स्कूल। ठीक है, मम्मी तो सुबह उठती है ना, अरे नहाओ 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 ऐसा बोलते हैं, तो नहीं रहेगी तो या नहीं नहाएगा ऐसे ही, अरे चलना भाई। ठीक है, आई वुड नॉट गेट ब्रेकफास्ट एट द रिंग राइट टाइम एंड द गुड डिश एज माई मदर प्रिपेयर। खाना भी नहीं मिलेगा जैसे कि उसका पापा नहीं दिया था ना, अरे बेटा लो पैसा ले लेना कैंटीन में खा लेना। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मामा नहीं रहेगी, कोई उसके साथ जो हेल्प करता है घर में वो नहीं रहेगी, तो हम लोगों को जो खाना है वो सही समय पर नहीं मिलेगा, और सही समय पर नहीं मिलेगा इसके साथ साथ क्या है, अच्छा खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी मैटर करता है। आई वुड हैव टू गो टू स्कूल विदाउट अ लंच बॉक्स बिकॉज पापा वुड नॉट बी एबल टू मेक अ डिश फॉर माई लंच बॉक्स। ठीक है, और मुझे क्या होगा कि बिना लंच बॉक्स के ही स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पापा तो लंच बॉक्स बनाने से रहे, ठीक है, वो तो ऐसे नहीं बना पाएंगे। देखो, खुद ही लेटे उठे लेट उस कहानी में उठे थे ना लेट, और खुद ही बोलते हैं कि नहीं चलो ना, हम तुम लोग को पैसा दे देंगे, तुम लोग ये कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, व्हाई डू यू थिंक दैट मैन एंड बॉयज जनरली डू नॉट हाउस वर्क ड्यू दे शुड। कहता है कि ऐसा, अच्छा सबको ऐसा क्यों सोचता है कि मैन और बॉयज जो है वो लोग घर का काम जनरली नहीं करता है, डू यू थिंक दे शुड। तुम भी ऐसा सोचते हो क्या कि जो मैन होते हैं, जो आदमी होता है, और जो लड़के होते हैं वो घर का काम नहीं करते हैं। अब देखो आंसर में क्या है, इट इज़ अज्यूम्ड इन आवर सोसाइटी दैट हाउस वर्क इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू द वुमेन एंड गर्ल्स एंड इट इज़ नॉट करेक्ट दैट मैन एंड बॉयज डू हाउस वर्क। ऐसा हमारा सोसाइटी, हमारा समाज में ऐसा लोग मान चुके हैं कि जो है ना भैया, खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, ये तो औरतों के साथ ही आता है। वो जैसे ही जन्म लेती हैं तो थोड़ी बड़ी होती हैं, हाँ मामा मम्मी लोग जो है, हाँ बेटी ये करो वो करो वो करो, तो वो लोग ऐसा हमारा सोसाइटी, हमारा समाज बना दिया कि नहीं, लड़कियां ही सिर्फ खाना पीना करेंगी, घर का काम करेंगी, चूल्हा चौका करेंगी, और बॉयज़ को नहीं समझा जाता है, इट इज़ नॉट करेक्ट द मैन
डू हाउस वर्क, ठीक है। लेकिन ये भी तो सोसाइटी का ही मानना है, हमका सब लोग जो मानते वही, लेकिन हम लोग अगर एग्जाम्पल में देखें, जो लोग भी अभी हजारीबाग में पढ़ने आए हैं, जो भी बच्चे, ठीक है, या जो कमाने के लिए कोई अदर स्टेट गया है, जो कमाने करने के लिए, जॉब करने के लिए अदर स्टेट गया है, या फिर पढ़ाई करने के लिए भी अदर स्टेट गया, बड़े बड़े शहर, तो वो लोग तो खुद ही खाना बना रहा है। तो खाना बनाना, कपड़ा धोना, सफाई करना, ये सब तो हाउस वर्क ही है, तो वो भी तो हाउस वर्क है। तो क्या बॉयज़ और मैंस नहीं कर रहे हैं काम? कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी ज़्यादा सुपीरियर मानता है कि नहीं, वुमेन ही ये सब काम करेंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई द बॉयज़ एंड द मैन जनरली डोंट डू हाउस वर्क, बट थिंक बोथ द मैन एंड बॉयज़ शुड ऑल्सो हेल्प वुमेन इन डूइंग हाउस वर्क। तो ये धारणा बन चुका है कि अब देखो, जो कहते हैं ना कि जो बना दिया जाता है तुम्हारे दिमाग में, जो फीड कर दिया जाता है, तो डाल दिया जाता है ना तुम्हारे दिमाग में कि ये चीज़ नहीं है तो नहीं है, तो वही चीज़ तुमको सच में लगने लगता है, ठीक है। तो जितना अब 10 आदमी तुमको एक ही बात बोलेगा, झूठ वाला बात ही 10 आदमी बोलेगा, तो तुमको वो झूठ को भी सच मानना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा, वो सब माहौल ही क्रिएट कर देता है कि मानना पड़ने लग जाए, ठीक है, एकदम जबरदस्ती। तो इस तरीके का होता है, तो जो समाज है, सोसाइटी है, वो बना करके रखा, नहीं नहीं करेगा कोई भी लड़का और मैन कोई हाउस वर्क कोई भी, तो वही मान के रखा, तो उन लोग भी करता है, नहीं करेंगे, हम लड़का हैं, हम बॉयज़ हैं, ऐसे वैसे नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उन लोग काम हाउस वर्क में थोड़ा काम बटाता है, जैसे कि सब्जी ले आना, ये सब ओपनली है, ठीक है, सोसाइटी, हाँ ये सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो सब्जी ले आएगा ना, वो अच्छा कोई घर का काम करने वाला जो सामान खत्म है वो ले आएगा, इस तरीके का बात है, ठीक है। लेकिन सब कुछ समाज पे डिपेंडेड है, ठीक। अब आता है भैया एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है, करीबन शायद 4 क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा नहीं। आर द स्टेटमेंट गिवन अलॉन्ग साइड ट्रू और अ फॉल्स? सपोर्ट योर आंसर विथ ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल। ऑल सोसाइटी डू नॉट, देखो यहाँ पर कुछ जो है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट मतलब बात को कहा गया है, अब इस बात को तुमको बताना है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ऑल सोसाइटी डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड अ गर्ल्स प्ले, ठीक है। हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो एकदम एक जैसा नहीं सोचता है, समांतर नहीं सोच पाता है कि बॉयज़ और गर्ल्स जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी प्ले कर रहे हैं, वो इक्वल होगा। ऐसा क्यों? तो भैया तुम्हारे नज़र से क्या होना चाहिए? हमारे नज़र से ट्रू है, ठीक है, एकदम सही बात है, एकदम नहीं सोचता है कि इक्वली। मोर इम्पोर्टेंट इज गिवन टू द वर्क डन बाय द बॉयज़ इंस्टेड ऑफ वट वंस डन बाय द गर्ल्स, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंस हो जाता है कि कौन जो वर्क डन कर रहा है, कौन कर रहा है, बॉय कर रहा है कि गर्ल गर्ल कर रही है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाता है, ठीक है। हमारा सोसाइटी जो है, आवर सोसाइटी डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, ठीक है। हमारा सोसाइटी जो है डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन, मतलब कि एकदम लक्ष्य नहीं कर पाता ना डिस्टिंग, हाँ लड़कियाँ, ये तुम समझ रहे हो कि डिस्टिंक्शन कहने का मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग, जब वो लोग बढ़ रहे होते हैं, तो देखो कि अब हम लोग चैप्टर में क्या देखे थे कि अलग अलग चीज़ बना देता है ना कि ये करेंगी वो करेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अवर सोसाइटी डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर ग्रोइंग, हमारा जो समाज है वो नहीं बना पाता है एक निर्धारित लक्ष्य को कि हाँ लड़कियाँ को भी इस तरीके का काम करना चाहिए, नहीं करना, उन लोगों को सेपरेटली कर देता है, यानी यही करो वही करो, ठीक है। तो देखो हमारा ये बी का आंसर क्या बोलता है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, नहीं बनाता है समाज, एकदम डिस्टिंक्शन नहीं बनाता है, क्या बनाता है, क्या नहीं बनाता है। राइट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ देयर ग्रोइंग फेजेस आवर सोसाइटी मेक्स इट अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ बॉयज एंड गर्ल्स। फ्रॉम एन अर्ली एज बॉयज आर टाउट टू बी आर टफ एंड आर सीरियस, वाइल गर्ल्स आर टाउट टू बी आर कॉपी एंड सॉफ्ट, ठीक है। जैसे ही वो बढ़ रहे होते हैं, लड़का और लड़की, तो बचपन से ही लड़का को देखो कि खिलौना में कार बार दिया जाता है, लड़की को चूल्हा गैस वैस वो सब धराया जाता है, ठीक है, डॉल्स गुड्डा डलाया जाता है, ये सब धराया जाता है। और जब बढ़ रहे होते हैं, तो उसी वक्त हम लोग को, लड़का लोग को सिखाया जाता है कि देखो भाई तुम्हें हार्ड रहना है, टफ रहना है, और लड़कियों को सिखाया जाता है तुम लोग को थोड़ा सा सॉफ्ट रहना है, एकदम अच्छे से बात करना है, इस तरीके के। देखो टॉयज लाइक द गन्स एंड द कार्स आर गिवन फॉर बॉयज़ टू प्ले, और गर्ल्स को क्या दिया जाता है, डॉल्स दिया जाता है, गुड्डा गुड्डी, लो बेटी गुड्डा, लो बेटा गुड्डा, ठीक है। वुमेन हु स्टे एट अ होम डू नॉट वर्क, अब जो कहती हैं ये स्टेटमेंट क्या सही है, जो लड़की जो महिलाएं होती हैं घर पर, वो कोई काम नहीं करती हैं, अरे यार इस पे तो कहानी ही बनाए थे हम, बताए थे, तो ये तो पूरा स्टेटमेंट गलत ही है, फॉल्स है। अ वुमेन हु स्टे एट अ होम डज हाउस वर्क अ लॉट ऑफ इट, हम लोग जितना सोच भी नहीं सकते हैं उतना काम करती हैं जो महिलाएँ घर पर होती हैं, ठीक है। दे वॉश क्लॉथ, वो लोग क्या करती हैं, कपड़ा धोती हैं, स्वीप करती हैं, पोछा वोछा लगाती हैं, क्लीन करना है, साफ सुथरा, खाना बनाना,
प्रिटी मच एंड द एंटायर हाउस इन ऑर्डर, और पूरा हमारा घर क्या होता है पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से होता है पूरी तरीके से। तो ये कौन करता है, महिलाएं तो करती हैं, हम लोग करते हो क्या? नहीं। द वर्क दैट वुमेन डू इज़ लेस वैल्यूड दैन द डैट ऑफ द मैन। सही बात है, जो वर्क करते हैं पुरुष कर रहे हैं और जो महिला कर रही हैं, ठीक है, तो महिला से ज़्यादा अहमियत दिया जाता है पुरुष वाला को। तो ये बात तो सही है, हमारे समाज में एकदम है, होता ही होता है भैया, ट्रू। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द वुमेन डू लॉट ऑफ वर्क, देयर वर्क गोज अंडर वैल्यू। ठीक है, वुमेन जो होती है बहुत सारा काम करती है। अभी हम लोग पूरा चैप्टर में ही और आंसर क्वेश्चन में ही देख रहे हैं कि वुमेन जो है ढेर सारा वर्क करती है, उसके बावजूद भी इन लोगों के कामों को क्या कर दिया जाता है, अंडर वैल्यूड कर दिया जाता है, मतलब कि अनदेखा कर दिया जाता है या बोल दिया जाता है कि तुम लोग तो कुछ काम ही नहीं करते हो। ठीक है, तो ये है पार्ट ऑफ द रीजन वाई दैट इज द बिकॉज देयर इज अ नो मॉनेटरी वैल्यू अटैच टू इट। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लोग जितना भी घर में काम करती है ना, उसमें कोई पैसा से रिलेटेड काम नहीं होता, मतलब कि उन लोगों को कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, और पैसा से नहीं मिलता है तो हमारा समाज और सोसाइटी जो है पैरामीटर जो बनाया है, जो अपने अकॉर्डिंग से नापने का जो ये चीज़ बनाया है, वो क्या बोलता है कि नहीं, कोई रुपया कमा रहा है तभी वो ज़्यादा अहमियत वाला काम है, ज़्यादा वैल्यूड वाला काम है। हाँ, अगर 10,000 20,000 कमा रही है तो थोड़ा कम है, 1,00,000 कमा रही है तो ज़्यादा वैल्यूड वाला है। तो ये मॉनेटरी से इन लोग कंपेरिजन कर लेता है, दैट्स वाई कि महिला के कामों को, वुमेन के कामों को अंडर वैल्यूड कर देता है, अनदेखा कर देता है, नज़रअंदाज की उन लोग कोई काम नहीं करती है। ठीक है, देर इज अ सोशल कंडीशनिंग दैट हाउस होल्ड वर्क कम्स नेचुरली टू द वुमेन एंड दैट इज एक्सेप्टेड ऑफ द मैन। और ये भी जो है सोशल कंडीशंस बन चुका है हमारे समाज में, हर एक के मेंटेलिटी में, हमारे हर एक के दिमाग में ये चीज़ फीड हो गया है, छप गया है कि नहीं, हाउस होल्ड घर, जो घर की जो कामें होती हैं वो कौन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही करेंगे, उन्हीं लोग के साथ आता है, उन्हीं लोग के करने के लिए ही होता है ये काम, ऐसा मेंटेलिटी बन चुका है, इसीलिए इस तरीके का काम देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। ठीक है, क्लियर है भैया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बढ़ो, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाउस वर्क इज अ इनविजिबल एंड अनपेड। ठीक है, हाउस वर्क जो होता है, घर का पेज होता है, वो इनविजिबल होता है, अनपेड होता है। हाउस वर्क इज अ फिजिकली डिमांडिंग, हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो क्या बोल रहा है, राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट इज मीन बाय द टर्म्स इनविजिबल। इनविजिबल का कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जो ना दिखे, ठीक है, मतलब दिखे ना है, फिजिकली और डिमांडिंग, ये डिमांडिंग एंड फिजिकली, क्या फिजिकली डिमांडिंग क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बेस्ड ऑन अ हाउसहोल्ड टास्क अंडरटेकन बाय द वुमेन। तो वुमेन के जरिए किए जाने वाला हर घर में जो काम होता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुमको ये सब चीज़ बताना है, इनविजिबल क्या होता है, फिजिकली डिमांडिंग क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है, हर एक का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, अब देखो इनविजिबल मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट हैपन इन अवर इमीडिएट प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारे एकदम हम हैं तभी तो नहीं होता है। ठीक है, इट मीन्स द वर्क डज नॉट हैपन इन अवर इमीडिएट प्रेजेंट, हमारे मौजूदगी, जैसे कि कोई तुमको काम करने बोल दे तुरंत से, तो तुमको जो दिखेगा काम, ठीक है, वो तो तुम बोलेगा हाँ दिख रहा है, जो काम दिखे ही ना लगे और तुमको लगे कि अरे ये काम तो हुआ ही नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली में हो चुका है, तो उस काम को इनविजिबल कहते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस वर्क और अ केयर गिविंग टास्क सच एज द टेकिंग केयर ऑफ अ चिल्ड्रेंस एल्डरली लाइज विद द वुमेन ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर नॉट एक्नॉलेज एज अ वर्क एंड रिमेन इनविजिबल। देखो, बच्चे का ध्यान रखना हो, बच्चे का ख्याल रखना हो, या कोई बूढ़ा बूढ़ी औरत हो, दादा दादी कोई भी हो, उन लोगों का ख्याल रखती हैं महिलाएं, रखती हैं वुमेन रखती है, तो उन लोग सिर्फ ख्याल रखती हैं, तो क्या अब कोई देख थोड़ी रहा है कि दिन भर में कितना ख्याल रखी है, कितना बार तेल दिए हैं, कितना बार पानी दिए हैं, कितना बार खाने को पूछी हैं, ये सब नहीं ना देखता है कोई, तो बस इसीलिए इसे इनविजिबल कर देता है। ठीक है, दूसरा फिजिकल डिमांडिंग, हाउस वर्क इज़ अ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट। घर का जो काम होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है और डिफिकल्ट होता है, मुश्किल वाला भी होता है। वुमेन डू अ लॉट ऑफ हैवी ड्यूटी वर्क, जैसे कि वॉशिंग, ठीक है, बहुत सारा हैवी वर्क करती है, कपड़ा धोना, कपड़ा धोने में भाई बहुत मेहनत लगता है, एंड द क्लॉथ्स ऑफ द इंटायर फैमिली, और पूरे घर का कपड़ा धोती है, अपना अकेले से छोड़ दो, अकेले खुद धोवो तो समझ में आता है ना कि हम लोग कैसे धोते हैं अकेले, ठीक है, और उन लोग पूरा घर का धोती है, तो समझो बात को। ठीक है, एंड द वॉशिंग हो गया, इंटायर फैमिली का, गैदरिंग एंड कैरिंग हैवी लोड्स ऑफ अ फायर वुड अमॉन्ग द अदर्स। ठीक है, अगर हम लोग रूरल एरिया में कोई महिलाएं रह रही हैं, तो ये सब हाउस होल्ड घर का काम करने के बावजूद भी, जहाँ पर हम लोग गैस इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा, तो उन लोग कहाँ जाएंगे, फॉरेस्ट जाएंगे। ठीक है, और फॉरेस्ट से लकड़ी अपने मत्थे पे ऐसे ऐसे ले करके आएंगी, है कि नहीं, तो इतना हैवी लोड उन लोग वर्क करती है, फिजिकली डिमांडिंग है कि नहीं है। ठीक है, अब टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग कहने का मतलब हाउस होल्ड कोर्स टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, हम लोग जो चूल्हा
मतलब कि गांव में जो रूरल एरिया में चूल्हा जलता है, ठीक है, जहाँ पर गैस सीएनजी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा, चूल्हा जलता है, तो कोयला जो धरता है धराने में टाइम लगता है ना, जानते हो, ये गांव से देखे हो। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स रूटीन बिगेन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग एंड कंटिन्यू अप अ लेट लेट नाइट। तो वुमेन का जो काम होता है वो सुबह उठते के साथ ही उसका चालू होता है और एकदम रात के लेट तक सबका घर का काम हो जाता है, सब सोने वोने चल जाता है, फिर भी तक उस समय तक ही उसका काम होता ही रहता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आर द सीन बिजी फुलफिलिंग द टास्क ऑफ देयर द फैमिली मेम्बर। तो सुबह से लेकर के, मॉर्निंग से लेकर के शाम तक, इवनिंग तक, वो सिर्फ महिलाएं क्या करती हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों के सबका काम को ही पूरा करती रहती है। कौन कौन को क्या जरूरत है, नीड्स क्या है, उन सभी का नीड्स को सिर्फ पूरा पूरा करते करते थक जाती है और बेचारी आराम भी ज़्यादा नहीं करती है, ठीक है। एट द टाइम्स टाइम कंज्यूम इन फिनिशिंग द कोर्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फैमिली, द लार्ज ऑफ द फैमिली द लॉन्गर इट टेक्स द कंप्लीशन। और जितना बड़ा परिवार होगा उतना ज़्यादा इन लोग महिलाओं को टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चंस, मेक अ लिस्ट ऑफ अ टॉय, खिलौनों का लिस्ट बनाना है, जो गेम्स दैट बॉयज फिजिकल बॉयज टिपिकली प्ले एंड द अनदर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। एक तुमको लिस्ट बनाना है जो बॉयज़ खेलता है गेम और जो गर्ल्स खेलती है, और उन लोगों को कौन कौन सा टॉयज मिलता है वो। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्टेस्ट कैन यू थिंक ऑफ द सम रीज़न वाई इज सो। और अगर तुम्हारे रीज़न में, अभी तुम यहाँ जब लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट में जब कोई रीज़न तुमको अगर दिखेगा, रीज़न मतलब कि अलग दिखा, तो तुम ऐसा सोचो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है। अरे जो लड़का को खेलने के लिए गेम मिल रहा है, वही डॉल मिल रहा है, वो लड़की को क्यों नहीं। अच्छा, गन मिल रहा है लड़का को और कार मिल रहा है लड़का को, तो लड़की को क्यों नहीं। ये सब सोचने वाली बात है, ठीक है। सोचने वाली क्या, हमारा समाज ही ऐसा कंडीशनिंग कर दिया है। डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप टू द रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले एट अदर, कहता है डज दिस एनी हैव द रिलेशनशिप, कोई अभी जो लिस्ट बनाओगे उसमें देखो कि क्या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें रोल्स जो है चिल्ड्रेंस का वो एडल्ट के तौर पे प्ले हो रहा है। देखो सॉल्यूशन, लिस्ट ऑफ द टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज प्ले, ठीक है। बॉय जो खेल रहा है उसके लिए क्या है, कार मिल रहा है, गन मिल रहा है, एक्शन फिगर मिल रहे हैं जिसमें स्पाइडरमैन और एवेंजर्स, ये सब का, बड़े बड़े जो बाहुबली लोग रहते हैं उन लोगों का दिया जाता है। जैसे कि स्पोर्ट में फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बास्केटबॉल बोलता है। अब लड़कियों को क्या मिलता है वो देखो, लिस्ट ऑफ द टॉयज एंड द गेम्स गर्ल्स विद द प्ले, डॉल्स मिलता है, कुकिंग आइटम जैसे गांव तरफ खिलौना में देखेगा ना, तो एक चीज मिलता है चूल्हा टाइप का, मतलब गैस वाला, गैस रहता है, दो तीन वैसे ऐसे छोटा छोटा कटोरा रहता है, डूबा रहता है, और उसमें चम्मच वम्मच रहता है, ठीक है। तो वो सब लड़कियां को ज़्यादा मिलते हैं। फिर डॉल हाउसेस, ठीक है, बड़ा बड़ा गुड्डा, फैशन का टॉय मिलता है। फैशन टॉय मतलब वही डॉल वॉल वाला में ही फैशन तरीके से, अरे ये पहनी हुई वो पहनी हुई है ना। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द लिस्ट अबव दैट द सोसाइटी मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। तो ये ऊपर के लिस्टों से एकदम डिस्टिंक्शन हो चुका है, मतलब कि पूरी तरीके से निश्चित हो चुका है भैया कि जो हमारा सोसाइटी है वो एक पूरी तरीके से यही बना चुका है कि नहीं, लड़का है तो यही काम करेगा, लड़की है तो यही काम करेगा। पार्ट राइट फ्रॉम द ग्रोइंग फेज इट सेल्फ, तो ये तभी से चालू हो जाता है जब वो बढ़ रही होती है, शुरुआत हो रही थी तभी से। बॉयज़ आर टाउट टू बी द टफ एंड स्ट्रांग विच हाईलाइट देयर मेनली फीचर्स, बट गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन्स द कन्फाइंस ऑफ देयर फेमिनी वर्ल्ड, ठीक है। तो उसी वक्त जब बच्चा बढ़ रहा है उसी वक्त बोलता है कि उसको टफ रहो, एकदम हार्ड बनो, मजबूत बनो, लड़की लड़के को बोलता है सॉफ्ट रहो। इन द एंड ऑफ द पुसेस होम मैसेज दैट दे हैव द स्पेसिफिक रोल टू प्ले वेन द ग्रो अप इन टू एडल्ट मैन एंड वुमेन लेटर इन द लाइफ, दिस मे इवन हैव द एडवर्स इफेक्ट वैन इट्स कम टू द चूजिंग द कैरियर। तो इस तरीके का जब भेदभाव होते रहता है ना भाई, तो ये आगे चल कर क्या होता है, जब कैरियर की बात आती है तो उस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है उस गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा। बॉयज़ तो आवारा टाइप है ना, उन लोगों को तो कुछ करना ही नहीं है, या जो कर रहा है सब बढ़िया, लेकिन गर्ल्स तक के कैरियर बनाने तक थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। ये फेस करोगे अपने समाज में, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, इफ़ यू समवन आर वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन योर हाउस और लोकेलिटी, टॉक टू हर एंड फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट हर लाइफ, हु आर हर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। वेयर इज हर होम, हाउ मैनी आवर्स डज द वर्क, हाउ मच डज सी गेट पेड, राइट अ स्मॉल स्टोरी बेस्ड ऑन दिस डिटेल, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक काम है बाबू, ठीक है, अपने तरफ घर में भी देखना, ठीक है। क्या कि अगर तुम्हारे घर में या तुम्हारे घर के आस पड़ोस में कोई इंसान जो है काम कर रहा है दूसरे के घर में आ कर करके, ठीक है, तो उसके जा करके कुछ कुछ तुमसे क्वेश्चन पूछना है तुमको, उससे क्या क्वेश्चन पूछना है,
सबसे पहला कि आपके फैमिली मेम्बर्स कहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कमा रहे हो दूसरे के घर में आकर के, आपके फैमिली मेम्बर कहाँ हैं। दूसरा, आपका घर कहाँ है, ठीक है, आपके घर में हाउ मेनी आवर्स डज सी वर्क, या जहाँ पर वो काम करने आई है वो आपके घर में, मतलब कि दूसरे के घर में आई है ना, तो उसके घर में कितने घंटे काम कर रही है, या हाउ मच डज सी गेट पेड, और उसके बाद काम कर रही है तो उस पर कितना रुपया तुमको मिल रहा है, और फिर तुमको क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस के साथ एक स्टोरी लिखना है, ठीक है, अपने से भी कोशिश करना, ठीक है, मिला कि एक स्टोरी यहाँ लिखा गया है, उसको हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं। शांति हैज़ बिन वर्किंग इन माई हाउस फॉर अ सेवरल ईयर एज अ डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है। अब एक कोई है जो बता रही है कि शांति नाम की कोई महिला है जो हमारे घर में क्या कर रही है, काम कर रही है सेवरल ईयर से, बहुत ही सालों से हमारे घर में काम कर रही है, डोमेस्टिक हेल्प कर रही है, मतलब डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू कामों में हमारी सहायता कर रही है, ठीक है। सी हेल्प्स फ्रॉम अ विलेज फ्रॉम द कर्नाटका तमिलनाडु, तो वो एक कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर से आती है, उसका विलेज वहीं पर है। सी लिव्स हेयर इन अ बैंगलोर विथ हर हस्बैंड एंड अ डॉक्टर इन हर अर्ली 20s हु इज करेंटली परसुइंग बीकॉम फ्रॉम द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वो कहाँ रह रही हैं, सब बैंगलोर में रह रही हैं, अपने पति के साथ रह रही है, और उसकी एक बेटी भी है जो कि अभी 20s के करीबन होगी, और कहाँ कर रही है, बीकॉम कर रही है, जो भी एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से, मतलब कि एकदम नामी विख्यात इंस्टीट्यूट से। सी कम्स एट अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग एंड गेट्स डन फॉर द डेज बाय द 6 इन द इवनिंग। सी डज हर वर्क विद द डेलीगेंस एंड द स्किल, नेवर इवन वंस मेकिंग अ फूसेस और द कंप्लेनिंग अबाउट द वर्क सी डज, ठीक है। उसके बाद बोलती है काम करने जो मेरे घर में, वो आती है कितना, 7:30 बजे सुबह आ जाती है, फिर 6 बजे तक आ जाती है, और कभी भी किसी भी तरीके का कंप्लेन नहीं करती है हमको, और एकदम अपना काम एकदम बढ़िया से करती है, ठीक है। तो सी गेट्स अ 5,000 per month विथ ऑल द अदर एमिनिटीज लाइक द फूड क्लॉथ्स एटसेट्रा, तो उसको हम 5,000 रुपया देते हैं, और उसके साथ साथ उसके खाने पीने कपड़े का हर एक चीज़ देते हैं, ठीक है, और 5,000 रुपया देते हैं। हर हस्बैंड इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग वैक्स मैनिक्विंस फॉर क्लॉथिंग स्टोर्स विच ऑल्सो अर्नस इन अ हैंडसम अमाउंट एवरी डे। द शांति इज अ लीडिंग अ हैप्पी एंड अ फ्रूटफुल लाइफ विद अस एंड हर फैमिली मेम्बर्स, तो उसका पिता पति भी जो है वो भी एक वैक्स वाला मोम वाला कंपनी में काम करता है, वहाँ पर हाथ से कुछ बनाने बनाने का काम करता है, और उसको दिन जितना एक दिन काम करता है तो एक दिन में ही उसका पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है शांति है वो हमारे साथ और हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर रह रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सदा मतलब सुखी संपन्न रह रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, तुम्हारा टेस्ट इसका मंडे ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को इसका टेस्ट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। फिर अगला चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।